हेलो स्टूडेंट्स मैं वैभव अपने चैनल निबर नॉब में आपका स्वागत करता हूं ये चैनल टेंथ इलेवंथ और ट्वेल्थ क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए क्योंकि मेरा मोटो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार और अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्ले में जाके चैप्टर वाइज क्लास वाइज़ सारे वीडियोज़ की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और अब तो आप निबर नॉब को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करें स्टूडेंट्स आज हम स्टेटिस्टिक्स का चैप्टर और आगे बढ़ाएंगे अब तक हमने क्या कुछ कर लिया है और मैंने वीडियो क्लासेस में क्या कुछ कवर करवाया है उसका एक बार दोबारा से पुनरावलोकन कर लेते हैं हमने मीन डेविएशन समझ ली थी कि क्वेश्चन कैसे करने हैं जिसमें कि दो तरह से मीन डेविएशन कैलकुलेट की जाती है फ्रॉम मीन और फ्रॉम मीडियन और ये दोनों ही टॉपिक अनग्रुप्ड डाटा के लिए और ग्रुप्ड डाटा के लिए दोनों तरह से हमने क्वेश्चंस को समझ के देखा था अच्छी तरह से हमें समझ में आ गया था फिर पिछले वीडियो के लास्ट में मैंने तुम्हें मीन डेविएशंस की लिमिटेशंस के बारे में भी बात की थी कि हमें किस वक्त मीन डेविएशन कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम आ जाती है फ्रॉम मीडियन या फ्रॉम मीन और उसके लिए मैंने तुम्हें बताया था कि और कोई एल्जब्राइक मेथड निकालना पड़ेगा कैलकुलेशन और तरीके से करनी पड़ेगी तो वो कौन सी कैलकुलेशन है उसको हमने कहा वेरिएंस मतलब कितना ज्यादा वेरी कर रहा है डाटा उसको फाइंड आउट करने का तरीका निकाला गया जो कि बोला गया वेरिएंस तो वेरिएंस में जब हम अनग्रुप डाटा कैलकुलेट करते हैं ये वेरिएंस एक्चुअली रिलेटेड है मीन से तो मीन से दूरी हम पता करने की कोशिश करते हैं अनग्रुप डाटा में वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करना है वेरिएंस का फॉर्मूला है इसको सिग्मा ये स्मॉल सिग्मा है सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं समेशन आई फ्रॉम वन टू तो एन एक्स आई माइनस एक्स बार अब तुम कहोगे सर ये तो मीनडिवेशन है लेकिन नहीं हमने एक्चुअली मॉडुलस की जगह इसको स्क्वायर कर देना है होल अपॉन एन तो ये है हमारा वेरिएंस का फॉर्मूला और क्योंकि ये स्क्वेयर्स का मीन है इस वजह से इसमें नंबर काफी बड़ा आ जाता है और सही नंबर तक पहुंचने के लिए और भी क्लोज मार्क्स तक आने के लिए वेरिएंस का के कितना डेविएशन है डाटा में कितना वेरिएशन है डाटा में और ज्यादा पास का नंबर देखने के लिए हमने एक और टेक्निक निकाली जिसे हमने कहा स्टैंडर्ड डेविएशन और उसको हमने डिनोट किया सिग्मा से जो कि एक्चुअली क्या है अब तुम समझ गए होगे अगर ये सिग्मा स्क्वायर है तो सिग्मा क्या होगा इसी नंबर का स्क्वायर रूट यानी कि सिग्मा फ्रॉम समेशन फ्रॉम आई वन टू तो एन एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर होल अपॉन एन इस सारे नंबर का स्क्वायर रूट तो बेसिकली स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है वेरियंट्स का स्क्वायर रूट है और वो हर टाइप के डाटा में ये फार्मूला चलता है तो अनग्रुप्ड डाटा में हम ये फार्मूला करेंगे फिर हम आते हैं ग्रुप डाटा पर अगर हमारे पास ग्रुप्ड डाटा हो तो हम फॉर्मूला क्या करेंगे क्योंकि हमें पता है ग्रुप डाटा में फ्रीक्वेंसी आ जाती है तो समझना कोई खास मुश्किल नहीं है कि वेरियंस कैसे निकलेगा सीधी बात है यहां पे फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर ये जो डेविएशन की स्क्वायर हैं उनको हमने क्या करना है फ्रीक्वेंसी से कर देना है मल्टीप्लाई और होल अपॉन एन और अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इसी का स्क्वायर रूट करोगे तो क्या आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन तो स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरियस वेरियंस ये दोनों कैलकुलेट करने के लिए कहा जाएगा क्वेश्चन में वेरियंस का ये फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन इसी का स्क्वायर रूट हो जाएगा तो ग्रुप्ड डाटा में जब तो डिस्क्रीट कंटिन्यूस डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तब तो ये चल जाता है लेकिन अगर कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाए तो वहां पे हमको काफी ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती है इस तक पहुंचने के लिए तो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या इस्तेमाल करें कि भाई इजीली हमारा स्टैंडर्ड वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिवेशन कैलकुलेट हो जाए तो उसके लिए शॉर्टकट मेथड है तो मैं सीधा शॉर्टकट मेथड पे ही आऊंगा क्योंकि दूसरे मेथड हम इस्तेमाल ही नहीं करते होते वैसे तो ये फार्मूला है बेसिक बेसिक फॉर्मूला यह है इसे कर सकते हो लेकिन इससे कई बार कैलकुलेशन बहुत हैवी हो जाती है तो शॉर्टकट मेथड क्या है शॉर्टकट मेथड से जो वेरिएंस है वो कैलकुलेट कैसे करते हैं देखो क्योंकि स्टैंडर्ड डिवेशन तो इसी का स्क्वायर रूट हो जाएगा एच स्क्वायर अब एच तुम जानते हो क्या है क्लास की हाइट समेशन एफ आई यू आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन एफ आई यू आई होल अपॉन एन इसका स्क्वायर तो ये यूआई क्या है जब हम मीन फाइंड आउट करते हैं स्टेप डेविएशन मेथड से जो कि मैंने पिछली क्लास में तुम्हें करके दिखाया था उससे हमने मीन डेविएशन पता की थी तो वहां पर जो यूआई था वही यूआई ये सेम ही है लेकिन वेरियंस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे यू आई स्क्वायेर का एक अलग कॉलम बनाएंगे और उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे ये कैलकुलेट करेंगे और एफ आई यू आई अपॉनेंट तो हम ऑलरेडी करते हैं मीन फाइंड आउट करने के लिए उसका होल स्क्वायर कर देंगे और एच स्क्वायर से मल्टीप्लाई तो ये वेरिएंस हो गया और इसी नंबर का जब हम स्क्वायर रूट करेंगे तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा तो आई थिंक मैंने तीन चार जो फॉर्मूले हम इस्तेमाल करने वाले हैं आने वाली एक्सरसाइज में वो मैंने तुम्हें बता दिए हैं तो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस क्योंकि बहुत कम है तो मैं क्वेश्चन अदर देन एक्सरसाइज सॉल्व करवाऊंगा ताकि एक्सरसाइज के क्वेश्चन तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए रहें और अब ऐसा करते हैं हम सीधा आज पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो स्टूडेंट्स आज का पहला क्वेश्चन है फाइंड वेरियंट एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डाटा अब मैंने सबसे पहले अनग्रुप्ड डाटा ले लिया और इस अनग्रुप डाटा का मैं क्या करूँगा वेरिएंस uh, और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करूंगा और तुम ध्यान से देखना कि मैं क्या कर रहा हूं क्योंकि अनग्रुप डाटा फ्रीक्वेंसी इसमें नहीं दी होती इसमें एक एक बार या दो बार अगर कोई रीडिंग है तो हम दो बार ही लिख देते हैं तो इसका जो टेबल है वो हमें वर्टिकली बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत सारे कॉलम नहीं बनते हम इसका टेबल जो है वो हॉरिजॉन्टल ही बना देंगे तो सॉल्यूशन स्टार्ट मैं करता हूं सबसे पहले मैंने रो बनाई एक्स आई की सिक्स एट टेन ट्वेल्व 14, फिफ्टीन सेवनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव फिर मैं क्या करूँगा इसका मीन फाइंड आउट करूंगा ये कितने हैं हमारे पास वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ये टेन ऑब्जर्वेशन है हमारी तो हम मीन यहां पे निकाल लेते हैं क्योंकि हमें बीच में और दो uh, रोज की जरूरत पड़ेगी तो मीन कॉमा एक्स बार इज इक्वल टू कितना होता है हमें पता है समेशन एक्स आई अपॉन एन तो इसको सारे को प्लस करोगे तो आ जाएगा 152 डिवाइडेड बाय यानी के फिफ्टीन पॉइंट टू तो अब मैं बनाऊंगा एक रो एक्स आई माइनस एक्स बार यानी के मैं फिफ्टीन पॉइंट टू इस हर एक में से माइनस करके लिखूंगा जैसा कि हम पहले कर रहे थे आ, मीन डिवीशन में लेकिन वहां पर हम मॉडुलस ले रहे थे यहां मॉडुलस हम नहीं लेंगे तो देखो यहां पर माइनस का नाइन प्वाइंट टू आया फिर माइनस का सेवन पॉइंट टू फिर माइनस करोगे तो कितना आएगा माइनस फाइव पॉइंट टू फिर माइनस थ्री पॉइंट टू फिर माइनस वन पॉइंट टू उसके बाद आएगा माइनस ज़ीरो पॉइंट टू उसके बाद आ जाएगा वन पॉइंट एट फिर आया फोर पॉइंट एट फिर नाइन पॉइंट एट और दोबारा से नाइन पॉइंट एट और अब फॉर्मूले के हिसाब से हमने क्या करना है एक्स आई माइनस एक्स बार जो हमने निकाला है इसका मॉडलस नहीं करना था हमने इसका स्क्वायर करना है वेरिएंस के लिए तो हमने इसका स्क्वायर किया तो क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए पहले ही कैलकुलेट करके रखा हुआ है तुम कैलकुलेट इसी तरह करोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा इनका स्क्वायर करना है यानी माइनस का एक तो साइन नहीं आएगा और इन सभी नंबर्स का स्क्वायर करके नीचे लिखना है तो 9.2 का स्क्वायर होगा एटी फोर पॉइंट सिक्स फोर फिर इसका स्क्वायर होगा फिफ्टी वन पॉइंट एट फोर फिर माइनस फाइव पॉइंट टू का स्क्वायर होगा ट्वेंटी सेवन पॉइंट जीरो फोर फिर माइनस थ्री पॉइंट टू का स्क्वायर होगा टेन पॉइंट टू फोर फिर वन पॉइंट टू का स्क्वायर होगा वन पॉइंट फोर फोर फिर 0.2 का स्क्वायर 0.04 फिर 1.8 का स्क्वायर 3.24 फिर 4.8 का स्क्वायर होगा 23.04 फिर 9.8 का स्क्वायर होगा 96.04 अगेन 96.04 तो इस तरह से हमने स्क्वायर कर लिए और इनको अब क्या करना है हमने ऐड करना है तो वेरियंस कितना आएगा वेरियंस कॉमा सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन एक्स बार स्क्वायर होल अपॉन एन तो इन सब का प्लस करके जब तुम इन सभी एंट्रीज का स्क्वायर्स का प्लस करोगे तो तुम्हारे पास आएगा 393.6 अपॉन 10 किया मैंने तो आ गया 39.36 तो ये आ गया स्टूडेंट्स वेरिएंस अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन देखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को हम एस डी से कह देते होते हैं सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ थर्टी और ये अंडर रूट कितना आएगा अंडर रूट आएगा 19.83 बेसिकली यहां पर आकर तुमको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना आना चाहिए लॉन्ग डिवीजन मेथड से जो कि पिछली क्लासेस में तुमने सीखा हुआ है मैं एक बार थोड़ा सा तुम्हें ओवरव्यू दे देता हूं जैसे हम करते थे 39.36 अब डेसिमल प्लेस से इस तरफ पेयरिंग करनी है और डेसिमल प्लेस के उस तरफ पेयरिंग करनी है तो 39 नाइन नंबर जो है वो कौन से नंबर के स्क्वायर से थोड़ा सा बड़ा है सिक्स के स्क्वायर से आ, नहीं नहीं मेरे से एक गलती हो गई स्टूडेंट्स ये स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन गलत हो गई है यह एक्चुअली 39.36 का स्क्वायर यह नहीं है इसका स्क्वायर रूट होगा 6.27 प्वाइंट ये होगा पता नहीं कैसे गलती हो गई चलो मैंने अपनी गलती रेक्टिफाई कर ली इसका स्क्वायर रूट अब तुम्हें वैसे भी दिखाई दे रहा होगा सिक्स का स्क्वायर थर्टी होता है तो थर्टी का स्क्वायर सिक्स से थोड़ा सा ज्यादा होगा यही चीज देखकर मुझे लगा कि मैंने गलती कर दी है पता नहीं कैसे ये कैलकुलेशन हो गई मुझसे चलो खैर गलतियां तो होती रहती हैं लेकिन हम उसे अगर स्पॉट कर लें तो हम वाकई एक कामयाब इंसान होंगे कहीं भी कभी भी अब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कामयाब हूं हां ये क्वेश्चन सॉल्व करने में तो कामयाब हो ही गया तो खैर चलो मैं तुम्हें बता रहा था कि ये कैसे कैलकुलेट करना है अब देखो सिक्स सिक्स द थर्टी सिक्स तुमको वो याद होगा कि जो नंबर यहां लगाना है वही नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो यहां से थ्री आ गया और फिर दो नंबर उतरते होते हैं तो थ्री थर्टी सिक्स उतर गया और यहां जो नंबर आ गया इसको डबल कर देना है तो क्योंकि पहले ही मैं ये जानता हूं तो हम जानते हैं कि वन ट्वेंटी टू दा वन ये वन ट्वेंटी टू दा जाएगा वन ट्वेंटी टू टू दा तो ये कितना आ गया टू फोर्टी फोर अगर हम वन ट्वेंटी थ्री थ्री दा करेंगे तो नाइन और सिक्स और थ्री आ जाएगा जो कि इस नंबर से बड़ा हो जाएगा यहां भी पॉइंट लग जाएगा क्योंकि डेसिमल के बाद वाले नंबर उतरे तो टू 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 फोर्टी फोर और वैसे इलेवेंथ क्लास में अभी स्टार्ट हुआ है तो तुम बस एक डेसिमल प्लेस को यहां पे लिख सकते हो तो इस तरह से हम स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट कर सकते हैं तो यह तो था स्टूडेंट क्वेश्चन हमारा कि जब मैंने तुम्हें अनग्रुप डाटा का वेरियंस और स्टैंडर्ड डेवियेशन कैलकुलेट करना सिखाया एक बार फिर देख लो हमारे पास ये अनग्रुप डाटा दिया हुआ था हमने उन्हें एक्स आई की फॉर्म में लिखा फिर एक्स उसका मीन फाइंड आउट किया फिर हमने मीन से डेविएशंस देखी इसकी लेकिन मॉडुलस के बगैर यानी माइनस के नंबर माइनस में ही आएंगे और प्लस वाले प्लस में फिर इन डेविएशंस का स्क्वायर कर लिया और फिर इन डेविएशंस को टोटल करके एन से डिवाइड कर दिया वो तो हो गया वेरियंस और फिर इस वेरियंस का स्क्वायर रूट किया तो हमारे पास आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन तो ऐसे कैलकुलेट करते हैं हम जब हमारे पास अनग्रुप डाटा हो अब बात करते हैं ग्रुप्ड डाटा की और ग्रुप डाटा में भी मैं पहले डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन लूंगा तो स्टूडेंट्स हमें क्वेश्चन इस तरह से आता होता है फोर या सिक्स मार्क्स का जैसे भी ये क्वेश्चन आए फाइंड मीन वेरियंट एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डाटा तो हमने अभी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लिया है ये डाटा है हमारे पास फोर एट इलेवन ये ऑब्जर्वेशन है सेवनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी फोर थर्टी टू और फ्रीक्वेंसी है थ्री फाइव नाइन फाइव फोर थ्री वन तो हम क्या करेंगे अब क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसी भी आ गई है तो अब ज्यादा कॉलम्स बनेंगे तो इसलिए हम यहां पर वर्टिकल टेबल बनाएंगे तो पहला कॉलम एक्स आई का दूसरा कॉलम एफ आई का तो फोर एट इलेवन 17, ट्वेंटी मैं यहां पे लिख रहा हूं स्टूडेंट्स ध्यान देना फिर था ट्वेंटी फोर और थर्टी टू और फ्रीक्वेंसीज थी हमारे पास थ्री फाइव नाइन फाइव फोर थ्री और वन तो सबसे पहला काम हमारा होगा कि हम ये देखें कि कितनी ऑब्जर्वेशन हैं टोटल यानी कि एफ आई का टोटल तो वो है थर्टी उसके बाद हमने क्या करना है हमने मीन फाइंड आउट करना है उसके लिए एफ आई एक्स आई करना पड़ेगा क्योंकि जो वेरिएंस है वो मीन से डेविएशन देखी जाती है तो मीन पहले निकालना ही पड़ता है और क्वेश्चन में भी हमको पहले मीन निकालने को कहा गया है तो हम कर लेते हैं एफ आई एक्स आई ट्वेल्व फोर्टी 99, नाइन उसके बाद क्या आएगा एटी फाइव एट्टी सेवेंटी टू और थर्टी टू और इसको भी हम टोटल कर लेंगे तो इसका टोटल करके आ गया फोर हंड्रेड ट्वेंटी तो अब हम ऐसा करते हैं इस डाटा से इतने डाटा से पहले फाइंड कर लेते हैं मीन तो मीन कॉमा एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय कैपिटल एन तो ये आ गया फोर ट्वेंटी डिवाइडेड बाय थर्टी जो कि हमारे पास आंसर आएगा कितना देखो कितना आ गया कैलकुलेट करो फोर्टी टू अपॉइंट थ्री वो हो गया फोर्टीन तो मीन हमारे पास आ गया तो अब हम एक और कॉलम बनाएंगे एक्स आई माइनस एक्स बार का तो एक्स आई माइनस एक्स बार कितना आएगा अब मैं एक्स आई को फोर्टीन में से माइनस करता चलूंगा तो माइनस का टेन उसके बाद माइनस का सिक्स फिर माइनस का थ्री उसके बाद ये नंबर बड़ा हो गया सेवनटीन तो आ गया थ्री फिर आ गया सिक्स उसके बाद टेन और उसके बाद एटीन लेकिन हमने इसका स्क्वायर करना है तो एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो अब इन नंबर्स का मैं स्क्वायर लिखूंगा हंड्रेड थर्टी सिक्स नाइन नाइन थर्टी सिक्स हंड्रेड और थ्री ट्वेंटी फोर और फिर मैं इसको करूंगा मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी से क्योंकि ये कितनी बार है उससे हमें उतना तो कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ये जो आ रहा है ये कितनी बार है हंड्रेड कितनी बार आएगा तीन बार तो हमें तीनों बार कंसिडर करना ही पड़ेगा तो इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा थ्री हंड्रेड उसके बाद आएगा वन हंड्रेड एट्टी जब तुम फाइव को थर्टी सिक्स से मल्टीप्लाई करोगे उसके बाद आएगा एट्टी वन फिर आएगा फोर्टी फाइव फिर आएगा वन फोर्टी फोर देखो फोर इंटू थर्टी सिक्स फोर्टी फोर एफ आई को इस कॉलम को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं इस कॉलम से उसके बाद आएगा थ्री हंड्रेड और उसके बाद आएगा थ्री ट्वेंटी फोर तो अब इसको टोटल करके हम देखेंगे कितना आया तो इसका टोटल जब तुम करोगे तो आएगा वन थ्री सेवन फोर तो अब हम वेरिएंस फाइंड आउट कर सकते हैं तो वेरिएंस फाइंड आउट करते हैं हम वेरिएंस कॉमा सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर होल अपॉन कैपिटल एन तो ये कितना आ गया 1374 डिवाइडेड बाय 30 जो कि आ जाएगा 45.8 तो ये वेरिएंस है अब स्टैंडर्ड डेविएशन तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि है सिग्मा जो कि होगा अंडर रूट ऑफ 45.8 तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो आएगा 6.7 और इसका भी स्क्वायर रूट कैसे करेंगे देखो मैं थोड़ा सा तुम्हारी हेल्प कर देता हूं एक बार फिर से लॉन्ग डिवीजन मेथड से ये डेसिमल है इससे इस तरफ जोड़े बनाने हैं इससे इस तरफ जोड़े बनाने इस तरफ और इस तरफ तो यहां नहीं है तो इसको हमने जीरो कर दिया अब देखो दोबारा से अगर हम सेवन सेवन द करेंगे फोर्टी नाइन आएगा इससे बड़ा नंबर आएगा तो सिक्स सिक्स थर्टी सिक्स उसके बाद हमने माइनस किया तो नाइन आ गया अब ये एट जीरो उतरा तो ये डेसिमल के बाद का नंबर उतरा तो यहां डेसिमल लग गया और उसके बाद इसका डबल कर देना है यानी ट्वेल्व और फिर यहां पे मैंने सेवन लिखा है तो वन ट्वेंटी सेवन सेवन द करके देखते हैं सेवन सेवन था फोर्टी नाइन फोर सेवन टू दिन फोर्टीन में फोर जुड़े एट एटीन वन कैरी ओवर हो गया सेवन वन दिन एट तो एट एटी नाइन आया लेकिन अगर हम वन ट्वेंटी एट एट द करेंगे तो जो नंबर आएगा वो नाइन एटी से बड़ा होगा तो सेवन बस ये सेवन लिख के हमारा स्टैंडर्ड स्टैंडर्डिविएशन कैलकुलेट हो गया तो ये था स्टूडेंट हमारे पास कि अगर हमारे पास डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है इस तरह का तो हम क्या क्या करते हैं कैलकुलेशन किस तरह करते हैं वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन की ये वाले कॉलम्स बनाते हैं और इस तरह से कैलकुलेट करते हैं तो अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि किस तरह से अगर कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास तो हम शॉर्टकट मेथड से ही डायरेक्टली करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड से ना कि हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे वैसे तो बेसिक फार्मूला वेरिएंस का यही है तुम यही फार्मूले से वहां भी अप्लाई कर सकते हो लेकिन कैलकुलेशंस कई बार बहुत ज्यादा हो जाती हैं इस वजह से हम शॉर्टकट या स्टैंडर्ड डेविएशन स्टेप डेविएशन का मेथड uh, इस्तेमाल करते हैं तो चलो मैं वो क्वेश्चन लेता हूं तो जो फोर या सिक्स मार्क्स का क्वेश्चन आता है कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो इस तरह का आता है कैलकुलेट मीन वेरियंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डाटा हाँ अगर मीन वेरिएंस का क्वेश्चन आए कंटिन्यूस का तो इस तरह का आएगा वैसे मीन डेविएशन का भी क्वेश्चन आ जाया करता है तो हम स्टार्ट कैसे करेंगे हम वर्टिकल टेबल बनाएंगे क्लास इंटरवल थर्टी टू फोर्टी फोर्टी टू फिफ्टी फिफ्टी टू सिक्सटी सिक्सटी टू सेवेंटी सेवेंटी टू एट्टी एट्टी टू 90 एंड नाइन्टी टू हंड्रेड अब हम फ्रीक्वेंसी इसकी लिखेंगे कितनी दी हुई है थ्री सेवन ट्वेल्व फिफ्टीन एट थ्री और टू तो हमारा क्या काम जो है सबसे पहला वो है मिड पॉइंट्स ढूंढना यानी कि एक्स आई तो एक्स आई कितना होगा देखो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय टू यानी इनकी एवरेज तो थर्टी फाइव फोर्टी फाइव फिफ्टी फाइव सिक्सटी फाइव सेवेंटी फाइव एट्टी फाइव एंड नाइन्टी फाइव और साथ ही हमें यह भी देखना होगा कि ऑब्जर्वेशन हैं कितनी यानी इसका टोटल लेना पड़ेगा तो इसका टोटल करोगे तो स्टूडेंट्स आएगा तुम्हारे पास फिफ्टी अब क्योंकि हमने मीन फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे एज्यूम करेंगे अपना मीन और एज्यूम मैंने किया मीन इसको एज्यूम मीन के सामने हमने जरूर ये बक्सा लगाना ही है बॉक्स बनाना है इसके आगे ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो तो मैंने लिया यू आई वैसे डी आई कैलकुलेट ज्यादातर डी आई लिखा हुआ होता है तो एज्यूम मीन के सामने लिखना है जीरो और यहां लिखनी है माइनस की गिनती और नीचे लिखनी है प्लस की गिनती और फिर हमने क्या करना है एफ आई यूआई कैलकुलेट करना है एफ आई यू आई कैलकुलेट करेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का नाइन माइनस का फोर्टीन माइनस का ट्वेल्व यहां पे जीरो आएगा फिर एट फिर सिक्स फिर सिक्स इसको अब नेट करना है टोटल एफ आई यू आई को मीन फाइंड आउट करने के लिए तो ये आ रहा है माइनस का फिफ्टीन इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आंसर आएगा अब हमें स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए एफ आई यू आई स्क्वेयर भी चाहिए तो कई बार बुक्स में UI स्क्वायर करके एक कॉलम और बना हुआ होता है उसकी जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स अगर हम एफ आई यू आई ये जो कॉलम है इसको UI के कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही बनेगा तो इन दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करो ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट ट्वेल्व जीरो एट ट्वेल्व एटीन और अब हमको इसको भी टोटल करना पड़ेगा तो इसका टोटल मैंने किया तो ये आ गया 105 तो अब हमारा टेबल हो गया कंप्लीट सबसे पहला काम हमने करना है हमें पूछा हुआ मीन तो मीन कॉमा एक्स बार इज इक्वल टू अब एज्यूम्ड मीन कितना है 65 तो 65 फाइव प्लस समेशन अब मैं फॉर्मूला यहां लिख देता हूं मैं अप्लाई कर रहा हूं सीधा फॉर्मूला मीन का फॉर्मूला होता है ए प्लस समेशन एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय एन मल्टीप्लाई बाय एच तो समेशन एफ आई यू आई कितना है माइनस का फिफ्टीन तो माइनस फिफ्टीन अपॉन कैपिटल एन कितना है फिफ्टी मल्टीप्लाई बाय एच एच कितना है क्लास हाइट यह है टेन तो इसको कैलकुलेट करोगे जब स्टूडेंट्स तो हमारे पास आ जाएगा सिक्सटी टू इसको कैलकुलेट करोगे इतना आ जाएगा देखो आराम से पता चल रहा है ये जीरो के साथ जीरो कैंसिल हो गया और ये फाइव थ्री कैंसिल हो गया तो सिक्सटी फाइव माइनस थ्री हो गया यानी सिक्सटी टू तो मीन हो गया कैलकुलेट अब हम करेंगे वेरिएंस कैलकुलेट तो वेरिएंस यानी सिग्मा स्क्वायर तो उसका क्या फॉर्मूला मैंने बताया था स्टूडेंट्स उसका फॉर्मूला था एच स्क्वेयर समेशन एफ आई यू आई स्क्वेयर अपॉन एन माइनस समेशन एफ आई यू आई होल अपॉन एन और इसका कर देना है स्क्वेयर और लगा देनी है ब्रैकेट ये बहुत ध्यान से देख लो स्टूडेंट्स अब मैं यहां पर वैल्यूज पुट करने लगा हूं तो सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर यानी कि क्लास हाइट का स्क्वायर 100 एच टेन 10 था ब्रैकेट स्टार्ट और फिर मैंने यहां पे लिखा एफ आई यू आई स्क्वायेयर का सम यानी 105 105 हंड्रेड फाइव बाई फिफ्टी माइनस यहां पर कितना आ जाएगा एफ आई यू आई कितना था माइनस फिफ्टीन यानी माइनस फिफ्टीन अपॉन फिफ्टी का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स अब इसको कैलकुलेट करना कोई खास मुश्किल नहीं है तुम्हें बड़ा नंबर ये लग रहा होगा लेकिन है नहीं यहां एक बार इसको फिर लिख लेते हैं हंड्रेड वन हंड्रेड फाइव बाय फिफ्टी माइनस इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा टू ट्वेंटी फाइव बाय ट्वेंटी फाइव हंड्रेड स्क्वायर कर दिया ना इसका तो सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू हंड्रेड ब्रैकेट स्टार्ट अब ये ट्वेंटी फाइव हंड्रेड आ जाएगा एलसीएम तो ये जो नंबर है वो फिफ्टी से हो जाएगा मल्टीप्लाई तो जब हमने एलसीएम लिया ट्वेंटी फाइव हंड्रेड तो ये बन गया इसको फिफ्टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया फाइव टू फाइव जीरो माइनस ये तो टू ट्वेंटी फाइव ही रहा डिवाइडेड बाय ट्वेंटी फाइव हंड्रेड देखो ये दो जीरो तो इससे कैंसिल हो गए अब देखो कितना बना तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा फाइव जीरो टू फाइव डिवाइडेड बाय ट्वेंटी फाइव तो इसको देखें कितना आएगा तो ये आ गया टू हंड्रेड वन यहां पर पॉइंट्स में भी आंसर आ सकता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो हमारा जो वेरियंस था वो कैलकुलेट हो गया अब स्टैंडर्ड डेविएशन एक बार फिर लिख लेते हैं देयर फोर वेरियंस कॉमा सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू टू हंड्रेड वन अब हमने क्या करना है अब स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करनी है तो स्टैंडर्ड डेविएशन कॉमा सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वेरियंस तो इसका जब स्क्वायर रूट करोगे स्टूडेंट्स तो आएगा फोर्टीन पॉइंट वन अब ये कैसे आएगा ये करके एक बार दिखा दूं चलो कर लेते हैं टू हंड्रेड वन का स्क्वायर रूट किया तो डेसिमल यहां पर है डेसिमल के इस तरफ हमने पेयरिंग करनी है तो वन के साथ जीरो पेयर हो गया और टू रह गया अकेला तो ये टू है इसे ट्वेंटी नहीं मानना हमने तो वन वन दन वन, ऐसे ही होगा टू टू द फोर हो जाएगा तो हम टू टू द नहीं कंसिडर करेंगे तो वन आया अब नीचे उतरा जीरो वन पेयर उतरता है हमेशा और इसका कर दिया हमने डबल यानी टू अब ट्वेंटी फोर फोर द होता है कितना नाइन्टी ट्वेंटी फोर फोर द होता है uh, कितना होता है देखो मल्टीप्लाई करके देखें दिमाग से थोड़ा सा निकल गया मेरे ट्वेंटी फोर फोर दिक्कसटीन एंड दिस इज नाइन्टी सिक्स हां मेरे दिमाग में ठीक ही आ रहा था नाइन्टी सिक्स तो नाइन्टी सिक्स आया माइनस किया हमने तो कितना आ गया फाइव आ गया अब डेसिमल है इसके आगे तो डेसिमल लगा दिया और दो जीरो हैं तो ये दो जीरो उतारे हमने नीचे और इसका डबल किया ट्वेंटी एट तो अगर तुम ये देखो कि ट्वेंटी टू दा एट्टी टू टू तो 500 सौ से ऊपर ही नंबर आएगा तो ये चलेगा ही ऐसे टू एट्टी वन वन करना पड़ेगा तुमको तभी यहां टू एट्टी वन आएगा और ये बन गया तुम्हारा फोर्टीन पॉइंट वन स्टैंडर्ड डेविएशन तो इस तरह स्टूडेंट्स मैंने ये जो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है वो भी तुमको कोशिश की है सिखाने की प्रैक्टिस करना इसकी क्योंकि यहां पर नंबर पूरे तभी मिलेंगे जब तुम ये आंसर कम से कम एक डेसिमल प्लेस तक तो लेके जाओगे तो स्टूडेंट्स मैंने हर एक टाइप के डाटा में वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना तुम्हें सिखा दिया है इसकी प्रैक्टिस करो और अब तुम जानते ही हो मैं क्या कहूंगा कि कमेंट्स में वन टू फाइव रेटिंग कर देना फिर कोई सजेशन हो तो दे देना और प्लेलिस्ट में जाके तुम सारा सिलेबस कर सकते हो और अपने पेरेंट्स को ट्यूशन के बोझ से मुक्त कर सकते हो तो स्टूडेंट्स इस वेरियंस और स्टैंडर्ड स्टैंडर्डिविएशन के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग